इंदौर से जहां पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है, बिना अनुमति आयोजन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन ये मना रहे थे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। तो इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल बिना अनुमति आयोजन कर भीड़ जुटाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। विधायक संजय शुक्ला ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी, और ये वो तस्वीरें हैं, और देखिए किस तरह से बिना अनुमति भीड़ जुटाने की बात कही जा रही थी, और इसी बात को लेकर इसी मामले पर ये कार्रवाई हुई है। चले दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। दीपक, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया है? बिल्कुल, कल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपने इलाके में यहाँ पर राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि शुरुआती समय में तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन वितरण किया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर जो थी वो भीड़ बेकाबू हो गई और राशन को लूटने लगी, और जिस तरीके से विजुअल निकल कर सामने आए वहाँ के वायरल वीडियो, जिसके बाद कार्रवाई की मांग कही गई थी। और उस पर कल मल्लारगंज थाने में शाम को हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन ये अज्ञात आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक संजय शुक्ला ने जब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया और कहा कि यदि सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है नामजद, तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। और विधायक संजय शुक्ला की चेतावनी के बाद पुलिस ने कहीं जाकर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ ये मामला दर्ज किया। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से टूट रहे हैं, और राशन को लेने के लिए किस तरह की होड़ मची हुई है। और इन्हीं सभी मामलों को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने फिलहाल पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। चलिए शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दरअसल बिना अनुमति आयोजन कर भीड़ यहाँ पर जुटाई गई थी। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं सुदर्शन गुप्ता, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। विधायक संजय शुक्ला ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उन्होंने की थी, और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राशन बांटा जा रहा था, शुरू में तो यहाँ पर सारे नियमों का पालन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पालन किया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर कुछ इस तरह से भीड़ उमड़ी कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आयोजन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई, और इसी पूरे मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये भी यहाँ पर आरोप के बिना अनुमति के ये आयोजन यहाँ पर हो रहा था, और इसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ी, और इसे लेकर विधायक संजय शुक्ला ने धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग उन्होंने की थी, जिस पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर और बिना अनुमति के आयोजन करने पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया, लेकिन नियमों का पालन यहाँ पर नहीं हुआ। आयोजन में भारी संख्या में भीड़ जुट गई, और ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाया, ना ही गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हुआ, जिसके चलते अब बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं सुदर्शन गुप्ता, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। चलिए, और रवि सक्सेना जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। धन्यवाद जी। जी, ये तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये भी एक ये कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के आयोजन, जिस पर अब पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, लगातार आप देखे भाजपा के जितने भी नेता है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान से लेके और कैलाश विजयवर्गीय हो, रमेश मंदोला हो, और ये सुदर्शन गुप्ता हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं पूरे मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि जो COVID-19 की गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इंदौर जो कि आज महामारी में नंबर 1 है,
उसमें अगर सुदर्शन गुप्ता इस तरह के आयोजन करते हैं अपने नेता को खुश करने के लिए और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर तो हो गई है, इसको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। और शिवराज सिंह चौहान जो स्वयं भोपाल बुला बुला के लोगों के गले में पट्टे डाल रहे हैं, सैकड़ों लोगों को बुला रहे हैं, मैं तो कहूंगा डीजी से कि इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करें। ये इस तरह का नाटक, इस तरह का जो माहौल उड़ाया जा रहा है कोविड 19 की गाइडलाइंस का, इससे तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। आज जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रही है वो अत्यंत भयावह है। तो क्या आप अपनी नेतागिरी जमाने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल देंगे? और जो हो रहा है, इंदौर आज इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, सैकड़ों लोगों का वहां पे देहावसान हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर कोई सबक नहीं मिल रहा है इन भाजपाइयों को, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए घर घर में जा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, और उन पर्चों पर अगर संक्रमित पर्चे होंगे तो हर घर घर में वो संक्रमण बांट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी तो मांग है, पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सुदर्शन गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो जो भाजपा का नेता इस तरह के काम कर रहा है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। निश्चित रूप से रवि जी, यहाँ पर हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि देखिए जनप्रतिनिधियों पर ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर लोगों से भी करवाना, खुद भी करना, लेकिन इस तरह की यदि तस्वीरें निकल कर सामने आती है तो निश्चित रूप से आम जो लोग हैं उनमें ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, क्योंकि जनप्रतिनिधि इस तरह से नियमों के यदि उल्लंघन करते हैं तो फिर ये मैसेज की बात नहीं है श्रीमान, ये जान की बात है। लोगों की जान को खतरे में आपने डाल दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आप काय के जनप्रतिनिधि हैं? आप तो जनहंता बने हुए हैं। ये क्या तरीका है? और ये केवल और केवल भाजपा के लोगों को ही इतनी राजनीति चढ़ी हुई है जो गद्दारी कर करके सरकार बना रहे हैं, और अब फिर जनता के बीच में जाके उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी? इसके अलावा यदि हम बात करें रवि जी, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो हालात हैं कोरोना को लेकर लगातार जो है वो स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है और लोगों को पूरी तरह से सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, और निश्चित रूप से यदि इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आए तो यहाँ पर खतरा और बढ़ जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये कितनी बड़ी महामारी है। आज 2.5 लाख संक्रमित लोग इस देश के अंदर हो गए हैं। हम लोग अमेरिका बनने की राह पे चले हैं, पूरी दुनिया में हम चौथे नंबर पे पहुंच गए, उसके बावजूद भी इन भाजपाइयों को अकल नहीं आ रही है। ये इसी तरह के आयोजन कर रहे हैं जिसके अंदर जनता की जान को खतरे में डाल रहे हैं, संक्रमण को फैला रहे हैं। रवि जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी24 में। धन्यवाद। ये जो जिस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हुआ और इस पर एक कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये तो जनता को भी ध्यान रखना चाहिए, अवेयरनेस रखना चाहिए। वो जिन स्थितियों में वहाँ पर हुआ उसके लिए उन्होंने भी खेद प्रकट किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जनसेवा का काम था, तो लोगों को खुद को इतने सारे हिदायत के बावजूद इस बात का पालन करना चाहिए कि कोई एक साथ इस भीड़ इकट्ठी न करें। लेकिन इसमें आयोजनकर्ता का मैं समझता हूँ कि कोई दोष नहीं है, जनता को इस बारे में अवेयर रहना चाहिए था। जी गोविंद जी, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर राशन बांटा जा रहा था और यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से ये इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी? क्या यहाँ पर पहले से इंतजाम नहीं थे या अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ सकती है? बिल्कुल अंदेशा ऐसा नहीं था, क्योंकि वो 2000 पैकेट का इंतजाम किया था, 2000 लोगों को अन्न वितरित करना था, तो क्या आपको नहीं मालूम कि 2000 लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे? क्या बात करते हो गोविंद जी, प्लीज, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आपने कम से कम ऐसे लोगों का समर्थन मत कीजिए। हाँ, मेरी बात हुई उनसे, उनने अलग अलग समय दिया था। और जी गोविंद जी, हमारे साथ रवि सक्सेना जी भी लगातार बने हुए हैं। रवि जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ गोविंद जी, आप बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के, और आप उस समय के लीडर है जब कुशाभाऊ ठाकरे की ये भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। ये इस तरह के लोग
जो भारतीय जनता पार्टी को कलंकित कर रहे हैं, उसकी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, आज लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, 2000 लोगों के राशन वितरण की आप व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोग आए होंगे और आए हैं लोग, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर लूटामारी मची है। आप सोचिए ये क्या कर रहे हैं आप लोग। इंदौर आज जो है विस्फोट के मुहाने पे खड़ा हुआ है आज जी। गोविंद जी, रवि सक्सेना जी का ये कहना तो है कि सेवा करने गए थे। रवि सक्सेना जी की पार्टी तो आंदोलन करने गई थी ऐसे कोविड में, और कल उन्होंने वहाँ पर भी लॉकडाउन ये अपना ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। वो भी आज अखबार में छपा है, वहाँ पर उल्लंघन नहीं हुआ है कोविड-19 का। लोग अलग अलग घेरों में खड़े हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, पूरी तरह से पालन करके हमने आंदोलन किया है। इस ढंग से ज्ञापन देने गए थे वो कितने। देखिए गोविंद जी, आप जो है इस तरह की चीजों का समर्थन मत कीजिए प्लीज, पहले उसके बारे में विचार करिए। आप आपके बारे में मेरी बहुत अच्छी धारणा है, बहुत अच्छे मेरे मैं आपको कह रहा हूँ, और आप कैसा पहली बार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की चश्मा लगा के इस कोविड महामारी को मत देखिए। चलिए गोविंद जी और रवि जी, आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर नियमों की अनदेखी हुई, बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जुटी, नियमों का पालन नहीं हुआ और इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर FIR दर्ज की गई है।